नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो आजकल लुका छिपी का गेम बिल्कुल खेल रही है लोगों के साथ। दरअसल दोस्तों, आपको पिछले एक महीने से ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा सेंसेक्स है, बीएससी का जो सूचकांक है, वो हमारा लगभग 86,000 पर पहुँच गया था, लेकिन ये एक महीने के अंदर अंदर अभी ये 79,000 पर आ चुका है। मतलब कि ये समझ ली कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए, वो सारा कुछ पानी में चला गया। आप ऐसा समझ लीजिए कि पिछले जो दो तीन ट्रेडिंग डे थे उसमें ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हो रही थी। अभी कल के सेशन में, कल जो ट्रेडिंग डे था उसमें अच्छा खासा रिकवरी हुई, 500-600 पॉइंट की रिकवरी हो गई। और उसके बाद आज फिर देखा है तो आज सेंसेक्स में फिर 426 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 126 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा हुआ है। दोस्तों, इससे क्या है कि भारत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो दर्शाती है ये सूचकांक, वो ये बताता है कि भारत की जो ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अस्थिरता सी आ रही है। मतलब कि जो इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही थी उसमें कुछ तो कमी है। अब उसका कमी का कारण कुछ भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे अनुमान ये लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे इंडिया में जिन्होंने पैसा लगा रखा था, तो अक्टूबर के मंथ में इन लोगों ने करीब 1,00,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं भारत की मार्केट से, और वो पैसा वो US में लगाने के लिए फिराक में बैठे हुए हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये पैसा सिर्फ उन्होंने इंडिया से की मार्केट से नहीं निकाला है, उन्होंने पैसा चाइना के मार्केट से भी निकाला है। टोटल जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं उन्होंने $44 बिलियन निकाला हुआ है मार्केट से अलग अलग जगह की। तो वो इंडिया से भी निकाला है, चाइना से भी निकाला है, और भी मार्केट से निकाला है। और इसका जो पैसा अब वो लगाने जा रहे हैं, कुछ पैसा तो उन्होंने जापान की मार्केट में लगा दिया है और कुछ पैसा ये लगाने की फिराक में है US की मार्केट में। दरअसल सभी लोगों को ये अनुमान लग रहा है कि जो 5 नवंबर को चुनाव होंगे अमेरिका में, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें ट्रंप की जीत हो जाएगी, ऐसा लोग अभी मान कर चल रहे हैं। और फिर उसके बाद जनवरी में उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। दोस्तों, ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि जब ट्रंप आएंगे तो बहुत कुछ नीतियों में बदलाव लाएंगे। जैसे कि एक उनका बदलाव करने का ऐलान उन्होंने किया है, ये किसी भी अमेरिकन से कोई भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि अमेरिका में कोई भी उनका जो नागरिक है वो टैक्स नहीं देगा, और ये जो टैक्स की भरपाई है ये अमेरिका बाहर की कंपनियों से करेगी। मतलब जो बाहर की कंपनी अमेरिका में अपना बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो वो उन कंपनियों से टैक्स लिया करेगी। उनका ये कहना है कि हम कंपनियों से टैक्स लें, हम अपने लोगों से टैक्स क्यों लें। अब दोस्तों, इससे ये चीज़ समझ में आती है, ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूव हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। दरअसल दोस्तों, बात ये है कि भारत USA को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचता है और उससे ख़रीदता कम है, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है वो सरप्लस बिज़नेस है, और ये करीब हम $25 बिलियन का एक्स्ट्रा माल उनको बेचते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम उससे 100 रुपए की चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उनको 125 रुपए की चीज़ बेचते हैं, तो मतलब हमें फ़ायदा होता है। अगर हमारी कंपनियों पे कल को अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो हमारी कंपनियों का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो वहाँ के लोग उतना नहीं ख़रीदेंगे। इसका मतलब कि हमारी जो सेलिंग कैपेसिटी होगी वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए कम हो जाएगी, हम कम उनको माल बेच पाएंगे, तो इससे भारत की कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों, ये सारा कुछ डायरेक्टली लिंक्ड है इंडियन स्टॉक मार्केट से। अगर दोस्तों, ये पैसा जो बाहर जा रहा है अभी, ये सारा कुछ क्या है, इंडियंस लोगों का पैसा ही डूब रहा है। आखिर जिसके भी फंड की वैल्यू या जिसकी भी शेयर की वैल्यू अभी एक महीने पहले जो ग्रीन कलर में दिख रही थी, जो पॉजिटिव दिख रही, जो प्रॉफिट में दिख रही थी, अब ये समझ लीजिए कि 5-7% 10% अब नीचे उसकी वैल्यू हो चुकी है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी के वैल्यू शेयर की 5 लाख रुपए थी तो अब उसमें 5% से लेकर के 10% तक की गिरावट आ चुकी है। मतलब अब उसके शेयर की वैल्यू 4.5-5 लाख रुपए के आसपास हो गई है। इस तरह से गिरावट हुई है, ये भारत के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब ये कितने टाइम तक ऐसा चलता है ये देखने वाली बात होगी। कहते हैं कि शेयर मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए करो, लेकिन
अगर इस तरह से गिरावट अगर कोई व्यक्ति देखता है तो वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है कि कैसे हम इन्वेस्ट करें जाकर। हालांकि ये बात तो सही है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम आएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो मार्केट अभी गिर रही है ये कोई बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं गिरेगी। एक समय अभी ऐसा आएगा जब मार्केट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक सेलिंग हो चुकी है, फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी हद तक पैसा निकाल चुके हैं। अब वो भी पैसा कितने दिन तक कहाँ लगाएंगे, कहीं वहाँ रिटर्न जब अच्छा मिल जाएगा फिर वापस वो आएंगे यहीं पर लगाएंगे। इसलिए हमें भी धैर्यवान होना चाहिए, थोड़ा हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए, और ये जो मार्केट ने अभी नुकसान दिया है लोगों को फ़ायदा भी देगी। जो अभी ये बेयरिश मार्केट है ये बुल मार्केट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे और भी इसमें अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।